हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिकल फिजिक्स सिलेक्शन नंबर 4 रिवीजन क्लास हमने स्टार्ट किया है आपका। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आपके पास में कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कि 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज 3, इसकी रैंक मैट्रिक्स की कितनी दी है आपको, 3 दी हुई है। यदि पहला ऑप्शन दे रहा है ए बराबर बी बराबर सी है, ऑप्शन बी है ए कॉमा बी कॉमा सी आर डिफरेंट, व्हाट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है आपके पास में टू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इक्वल, व्हाट डिफरेंट फ्रॉम थर्ड, इनमें से क्या कह रहा है ये कि एक ए और बी या सी, इन तीनों में से क्या हो रहा है, दो तो इक्वल हो रहे हैं बट तीसरे के वो डिफरेंट है ना। ए कॉमा बी कॉमा सी आर ऑल डिफरेंट, सभी यहाँ पर डिफरेंट हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जो है इनका योग वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको नेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बताऊं, तो आपको जो दिया है वो आपको करना है। तो यहाँ आपको दिया क्या है, मैंने रैंक के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि आपको क्या करना होता है। जब आप रैंक किसी भी मैट्रिक्स की निकालते हो तो उसमें नॉन जीरो रो ऑफ अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट की हम बात करते हैं, उसके लिए रैंक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रब करता हूँ, या आपने स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स आप सभी देखेंगे, ये मैं रिकॉर्डेड आपको डालूंगा, क्योंकि जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो आपके लाइव सेशन लिए थे हमने, अभी हमारे पास जितना टाइम होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो फर्दर आप ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो उसी में आप ज्वाइन कर लेना। तो अब देखें आप सॉल्यूशन की तरफ जब हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 1 1, ये क्या आपका ए बी सी, यहाँ पे है आपका ए क्यू बी क्यू और क्या है आपके पास सी क्यू, इसकी रैंक क्या दी है, 3 दी है आपके पास में, ठीक है। अब सेकंड देखो आप, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको ये देखो, यहाँ पर मैं ये बताया था ये क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये कैसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इनके नीचे वाला यदि ये कैसा कहलाता है आपका लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट कहलाते हैं, ये ए क्यूब बी क्यूब, ये क्या है लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट। यदि हमको इसमें क्या करना है, यदि आप रैंक ज्ञात करते हो, यदि आप रैंक कैलकुलेट करते हो, उसके लिए आपके पास में अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। क्या होना चाहिए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, UTM, ठीक है। पूरा लिख दो कि अपर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मैं बाद में इसको UTM ही बोलूँगा। अब इसमें आपको ये तो होना चाहिए, और इसके लिए नॉन जीरो रो, ठीक है, नॉन जीरो रो आप देखोगे, ठीक है, नॉन जीरो रो, ठीक है। अब यहाँ में इसमें से हमको सबसे पहले इसको अपर ट्राइंगुलर बनाना है, तो ये अभी तो अपर ट्राइंगुलर है नहीं है, ये कब होगा, जब ये 0 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके लिए, 0 होने चाहिए इस मैट्रिक्स के लिए। तो करोगे इसको आगे हल आप, तो यहाँ पे क्या संक्रिया लगाऊँ, क्या ऑपरेशन करूँ, तो यहाँ पे देखो R2 में इसको 0 बनाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे इसमें करूँगा, तो यहाँ पे R2 - A R1 ऐसा कर सकता हूँ, यदि A का मल्टीपल इसमें कर दूँ, एक में A हो जाएगा यहाँ पे, और A में से A घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो करो इसको ऐसे ही, तो A मैट्रिक्स अब आपका कैसा होगा, यहाँ पर तो आपका कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 हो जाएगा। अब इसमें तो करना है आपको A से मल्टीपल, और इस R2 वाली रो में से रो, इस वाली रो में से घटाना है, तो करो भाई, तो A में से A गया तो क्या बनेगा 0, यहाँ पर क्या है A, तो B - A सही है ना, यहाँ पर B - A, इधर क्या बनेगा C - A, इधर आपका A क्यूब, इधर आपका B क्यूब, इधर आपका C क्यूब,
ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, लगा दी संक्रिया। उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में ये आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करूं, यहां पर भी मैं क्या कर दूं, ए क्यूब से मल्टीपल कर दूं और इस आर थ्री में से इस आर वन को घटा दूं। तो संक्रिया लगा दो, कौन सी लगेगी, अब यदि आप आर थ्री में चेंज करोगे तो आर थ्री माइनस क्या करोगे, ए क्यूब और क्या, आर वन, सही है ना, ए क्यूब का आर वन में मल्टीपल करके आर थ्री में से घटा दो। तो देखो ये दो तो यहाँ पर सेम रहने वाली हैं, वन वन वन, ठीक है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या है, बी माइनस ए, यहाँ है आपका सी माइनस ए। अब इसको करो आप हल, तो ए क्यूब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब का मल्टीपल होके क्या बनेगा, जीरो, यहाँ पर क्या बनेगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, सही है ना, समझ गए ना ये वाली बातें, समझ रहे हो ना इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्यूब और माइनस ए क्यूब, ये आप यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक आप कीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, करो इसको, यहाँ तक कर लो पहले, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो ये जीरो गया, ये जीरो गया, इसको जीरो बनाओ, अब इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो कैसे बना सकता हूँ, यदि मैं इस आर क्यूब में से, आर क्यूब में घटाना है आपको, क्या घटाना है, यदि मैं इस बी माइनस ए में, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इसमें से मैं क्या कर दूँ, इसमें इसका जो आर टू का है इसमें मल्टीपल कर दूँ, किसका, ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर का हो जाएगा, सही है ना, हाँ ए क्यूब। तो देखो इसको रब करूँ, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका यहाँ तक आ गया है आपके पास में। अब देखो आप ये वाली लगा सकते हो कि आर थ्री में क्या चेंज कर सकते हो आप, आर थ्री माइनस, आर थ्री माइनस, अब ये आर टू वाली है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ए, यहाँ पे स्क्वायर प्लस क्या है ए बी, और प्लस क्या बनेगा आपका, बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे ये आर टू। देखो इसका मैं ऐसा भी जो कह सकता हूँ आपको कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये बराबर किसके हो सकता है, ये बराबर हो सकता है बी माइनस ए, और यदि इसका मल्टीपल इससे कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, सही बात है क्या, बी माइनस ए कॉमन लेके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम ही तो होते हैं। यदि मैं यहाँ पे देखो आर टू क्या है, बी माइनस ए है, इसके साथ इसको मल्टीपल करके इसमें से घटाऊंगा तो आपको जीरो ही तो मिलेगा, ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है, ये मैं सिंपल आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, आपके पास मैट्रिक्स जो ए है, ये आपके पास मैट्रिक्स जो ए है, ये क्या मिलेगा आपको, देखो वन वन वन, इसमें कोई चेंज नहीं है, जीरो बी माइनस ए, और यहाँ पे आपका सी माइनस ए, यहाँ पर आए जीरो, ये भी क्या बन जाएगा आपका जीरो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये है इम्पोर्टेंट बात, क्या बनेगा यहाँ पर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब ये है, और इसमें से आप क्या घटा रहे हो, क्या सी माइनस ए, एक तो ये हो गया, और क्या है इसके साथ मल्टीपल, ये वाला, तो इसमें आप करोगे माइनस का साइन लगा के, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहीं पे साथ में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या है बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, इसको रब कर दे, ये भाई ये बन गया, देखो ये बन गया पूरा कंप्लीट, ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया आपका, यहाँ तक समझ में आया ना, ये देखो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो यही तो आपको जीरो करने थे, ये जीरो बन चुके हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट आपके हो गए हैं जीरो, तो इसको बोलोगे आप अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। अब इसमें किसी भी रो को देखो आप, इसमें ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी यदि जीरो होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, दो हो जाएगी, यदि ये जीरो होगा तब होगी रैंक दो, अदरवाइज इसकी रैंक क्या है, तीन है, ठीक है, पूरी रो को आप जीरो थोड़ी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो रैंक है इसको यदि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो ये आप कह सकते हो कुछ सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये समझ लो यहाँ से माइनस सी माइनस ए, ओके, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना, और ये क्या है भाई बी स्क्वायर, ये ले लिया मैंने ये वाली,
तो ये यदि बराबर नहीं है जीरो, तभी तो ये रैंक तीन का मैट्रिक्स कहलाएगा, और यदि ये जीरो हो गई तो ये क्या कहलाएगा, दो रैंक का मैट्रिक्स। लेकिन आपको दिया है ये तीन रैंक का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये वाली बात मैं अभी आता हूँ, एक सेकंड में, इसको आप जब तक हल करो। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने ये वाला ये पार्ट ले लिया है ना, और ये आपका क्या होता है, ये इसको आप कहते हो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये हैं आपके तीनों। अब ये इसके नीचे वाला आपका जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो, तो इसको हो गया अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। रैंक क्या है इसके लिए, रैंक आपको दी हुई है पहले ऑलरेडी, इसने दिया है आपको रैंक क्या है, तीन है, और रैंक यदि तीन है तो ये वाली किसी भी हालत में जीरो के बराबर नहीं होगी, तो जीरो नहीं होगी, तो जीरो के बराबर नहीं कर दिया हमने ना। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ मैं बात करूँ c माइनस ए कॉमन ले लूँ क्या सबसे, तो यहाँ से मैं c माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ, है ना। यहाँ से मैंने ले लिया c माइनस ए, ये ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो c स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ए सी, और प्लस क्या बनेगा, ठीक है ना, हाँ प्लस क्या बनेगा ए स्क्वायर, ओके। और माइनस इस वाले को ले लो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, और ये बराबर नहीं है जीरो के, है ना, ये हो गया। तो यहाँ से देखो सी स्क्वायर, ये प्लस का ए सी, ये माइनस का और प्लस का, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं यहाँ से, तो कैंसिल वाली टर्म को आप देखो, यहाँ से निशान लगा के बता रहा हूँ, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी माइनस ए, इधर देखो सी स्क्वायर प्लस क्या है ए सी है, है ना, इसको ओपन कर लिया है और ओनली सी माइनस ए कॉमन लिया है, देख लो कर लेना, है ना। तो ए सी यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का ए बी और माइनस का क्या बनेगा बी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर नहीं है जीरो के, यही वाली टर्म है ना आपके पास में। अब आप देखते हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखते हो, इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको मैं सी माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ, कैसे लिखूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं ऊपर, यहाँ तक कर दूँ रब, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, समझो इसको, सरल है, इजी है। यदि आप रैंक के मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराएं वो यदि आप देख लोगे तो इसको आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक तो मिलेगा सी माइनस ए, ये तो कॉमन है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए आप बड़े कोष्टक में। अब मैं इसको सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसको कैसे लिख दूं मैं ओपन करके, इसको सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं, तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये लिख दिया मैंने, है ना, और इसको प्लस ए, प्लस ए, और इसमें हो जाएगा क्या सी माइनस बी, सी माइनस बी, ये आप ले सकते हो इस टाइप से, और ये बराबर नहीं है जीरो के, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी, ऐसा आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखें एक बात कि यहाँ से देखो c माइनस ए है, यहाँ से c माइनस बी कॉमन ले लूँ, यहाँ से c माइनस बी, तो यहाँ पे c माइनस ए, इधर क्या बनेगा c माइनस बी, और यहाँ पे आपका अंदर क्या बनेगा भाई, ये तो बन गया c माइनस ए, तो c प्लस बी बन गया एक तो, और प्लस क्या है a, इसमें लग दो ना इसको भी, ठीक है, कॉमन क्या यहाँ पे a कर दो, और ये बराबर नहीं है जीरो के। अब आप देखो, या तो यहाँ पे आ रहा है आपका c माइनस ए बराबर नहीं है जीरो, तो c बराबर नहीं है a के, एक बात तो ये आ गई, दूसरी बात c माइनस बी बराबर नहीं है जीरो के, तो c बराबर नहीं है किसके, b के, या तो ये बात आ गई। और थर्ड बात आप देखोगे यहाँ से कि c प्लस बी प्लस a बराबर नहीं है जीरो के, या इसको ऐसा भी लिख दो a प्लस बी प्लस सी, जो कि बराबर नहीं है जीरो के। अब देखो आप इसमें कि क्या कह रहा है, ये इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास a b c, a b और c, ये ऑल क्या हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि आपस में कोई भी किसी के बराबर नहीं है पहली बात तो, ठीक है,
तो ये बराबर नहीं है, डिफरेंट है, एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है जीरो के। तो आप ऑप्शन नंबर डी में जाके देखिए, ऑप्शन डी क्या बात कह रहा है कि ए बी सी ऑल आर डिफरेंट एंड ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे आपने करा दिया है, समझ में आ गया ना। देखो कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी, दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कैसे किया था। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दिया आपके पास में, ए कोई मैट्रिक्स है, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दिया था आपका, ठीक है। ये रैंक दी थी इसकी, आपको रैंक भी बता रखी थी कि इसकी तीन रैंक है, ठीक है। तीन रैंक कब हो सकती है, जब इसकी ये वाली रो, ये तीन ऐसे ही तो होता है आपका तीन मैट्रिक्स, ठीक है। तो या तो इसकी तीनों रो क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए किसी भी रो में, क्या कि में एक ना एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो आप इसको रैंक तीन मान सकते हो, ठीक है। जिसके लिए आपको ये तीन जो हैं, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट थे इसके नीचे जो यहाँ पे था, उसको आप क्या कह रहे थे, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। रैंक कभी भी ज्ञात करते हो उसके लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली बात तो, और आपके लिए नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो को आपको बताना है, जो आपके पास नॉन जीरो रो है वो आपको बतानी है, उसके लिए हम रैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये वेल पहली बात हो गई। अब यहाँ पे हमने ये लोअर जब एलिमेंट बनाया था, तो यहाँ पे आपको ये जो मैट्रिक्स बना था, यहाँ पे कोई ये आपको मिले थे, यहाँ पर आपको जीरो मिला था, यहाँ पर आपको ये सब जीरो इस टाइप से, ठीक है। अब यदि ये क्या बन गया, लोअर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया हमने इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो अवयव था, ये सभी तो हो गए, ये भी तो था, तो इसको यदि आप जीरो के बराबर नहीं लोगे तभी तो ये रैंक तीन कहलाएगा। यदि मैं इसको जीरो के बराबर कर दूं तो ये तो रैंक दो ही हो गई, क्योंकि दो क्या है इसमें, रो है, ठीक है। तो इस टाइप से ये था, हमने कर लिया है ना। आराम से वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगेन वैल्यूज एंड आइगेन वेक्टर्स। इसमें हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर की हमको बतानी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ ऑर्डर की है, कि आप मतलब आइगेन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की ज्ञात करोगे, आप नंबर ऑफ आइगेन वैल्यूज ज्ञात करोगे वो बराबर किसके होगी, वो नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होगी। किसके, नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने नंबर का ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितने ऑर्डर का क्या है वो मैट्रिक्स है, तो उतनी आपको आइगेन वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे कि मैं कोई आपको बात करूं कि ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये यदि 2x2 दो ऑर्डर का है, ऑर्डर क्या है इसका, दो है, तो इसके लिए आइगेन वैल्यू भी आपकी क्या रहने वाली है, जो आइगेन वैल्यूज हैं वो भी आपके लिए दो मिलेंगी, ठीक है, दो आइगेन वैल्यू मिलेगी, जिनको हम कहते हैं λ1, λ2, इस टाइप से ये दो वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। ये पहली बात हो गई। यदि 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होता है, तीन होता है, तो आइगेन वैल्यू भी आपको λ1, λ2, λ3 मिल जाएंगी। अगली बात क्या होती है, सेकंड, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात होती है, जिसको आप जानते हो कि आइगेन वैल्यू, जिसको आप जानते हो क्या होती है, आइगेन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है, आइगेन वैल्यू इक्वेशन। तो आइगेन वैल्यू इक्वेशन किस टाइप से बताइए मैंने, कि ए माइनस लैम्बडा यहाँ पे आई है, और इसका क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट लेके जीरो कर दोगे, ठीक है, ये आप कर सकते हो। थर्ड आपकी बात है फोर 2x2, ये समझने वाली बात है, इस पे आ जाओ आप। 2x2 यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है, 2x2 का आपके पास मैट्रिक्स है, तो आपको यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको लिखोगे आप, और लैम्बडा से क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे, है ना, और प्लस यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट निकालोगे उसका ए का, और यहाँ पे आई आ जाएगा और बराबर जीरो हो जाएगा। इस टाइप से आप आइगेन वैल्यू इक्वेशन निकाल सकते हो। और यदि आपके पास अगला है नंबर फोर है, ये बात फोर नंबर की बात है,
4 किसके लिए? 3x3 मैट्रिक्स के लिए। यदि ऑर्डर क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लैम्बडा यहाँ पे क्या करोगे, क्यूब करोगे, ये लैम्बडा क्यूब करोगे, यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए निकालोगे, यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर का मल्टीपल करोगे, फिर आप इसका माइनर निकालोगे, क्या निकालोगे, माइनर निकालोगे। माइनर में क्या होता है, माइनर क्या होता है भाई, ए 1 होता है प्लस ए 2 होता है, ए यहाँ पे क्या बनेगा, 2 3 बनेगा, सही बात है ना ये वाली। और लैम्बडा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, प्लस इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे इसी टाइप से, और इसका जो मल्टीपल है वो आई से होगा और बराबर 0 होगा। इस तरीके से आप 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन इस टाइप से ज्ञात कर सकते हो, और 2x2 का मैट्रिक्स है तो इस टाइप से ज्ञात कर सकते हो। गेट में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज से, और आपको आना चाहिए ए माइनस लेमड़ा आई बराबर 0, ज़्यादा तक तो यही प्रोबेबल है, इससे ही आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टीज की अब बात करूँ, इनको आप लिख लो पहले तो एक बार, ठीक, तो इनको रब करते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी नंबर है 5, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन प्रॉपर्टीज पर आधारित कराऊंगा, ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। नंबर 5 नंबर की जो प्रॉपर्टीज है आपके लिए, यहाँ पर है आपका आइगेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, मतलब इसका आपको क्या लेना भाई, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज तो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको, ट्रांसपोज का मीन्स ही क्या होता है, जो आपके पास मैट्रिक्स में रो दी हुई होती हैं उन रो को आपको कॉलम में चेंज करना है, और जो कॉलम दिए होते हैं उनको रो में कर दो, कैसे भी कर दो, रो को या तो कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर सेम, कहना क्या चाहता है कि आइगेन वैल्यू आप देखो, या तो आप आइगेन वैल्यू ए की निकाल लो, ठीक है, ए मैट्रिक्स है किसी की, या आप ए ट्रांसपोज की निकाल लो, इन दोनों की जो आइगेन वैल्यू आएंगी वो सेम ही आएंगी, ये वाली बात है, ठीक है। अगला है आपके लिए नंबर 6 नंबर की प्रॉपर्टी जो है सम, ये लिख लो, सम ऑफ आइगेन वैल्यूज, सम ऑफ आइगेन वैल्यूज बराबर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेस ऑफ ए की बात करेंगे तो उसका मान क्या होता है, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस में लेमड़ा 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन लेमड़ा एन तक आप कह सकते हो इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ट्रेस ऑफ ए बराबर समीशन में लिख सकता हूँ ना युग को, एडिशन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आई, और यहाँ पर एन तक जा रहा है ये, और लैम्ब्डा क्या बन जाएगा, आई, ठीक है, इस टाइप से इसको बोल सकते हो। देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज का आप योग कर रहे हो, ठीक है, तो योग कर रहे हो तो वो क्या होता है, ट्रेस होता है, ट्रेस का मीन्स ये होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो ट्रेस में हम लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा 2 प्लस लैम्ब्डा 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, इस जो ये वाला है ना ट्रेस वाला, इससे तो मैंने क्वेश्चंस भी डाला हुआ है, तो नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगी वो इस पर रिलेटेड तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा भाई, नेट में मिलेगा, नेट में मिलेगा, ठीक है, ये देख लेना आप। 7 नंबर की प्रॉपर्टीज कराने जा रहा हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, ऊपर से इसको हटा देता हूँ अब मैं, ठीक है, यहीं पे यार, क्योंकि ये वाली जो है ये तो आपकी है किसके लिए, योग के लिए, और जब आप क्या करोगे, मल्टीपल करोगे इन आइगेन वैल्यूज का, तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट, क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट मिलेगा। योग करोगे तो क्या मिलेगा, सम करोगे तो ट्रेस मिलेगा, और यदि मल्टीपल करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट, ये याद रख लो। तो 7 नंबर की प्रॉपर्टीज आपकी है डिटर्मिनेंट वाली है, तो प्रोडक्ट कर दो भाई, प्रोडक्ट कर दो, किसका करोगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगेन वैल्यूज का, आइगेन वैल्यूज, ये बराबर किसके मिलेगा आपको, ये मिलेगा डिटर्मिनेंट के, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं डायरेक्ट कह दूँ कि डिटर्मिनेंट बराबर इस टाइप से होगा, लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा 3
और डट 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 लैम्डा एन, इस टाइप से आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी आप लिख लो इसको कि ए का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए। तो प्रोडक्ट को मैं बनाता हूँ पाई से, प्रोडक्ट का जो साइन है वो होता है पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आई, क्योंकि आई से ही तो जा रहा है। आई से कहाँ तक जाएगा भाई, एन तक जाएगा, और यहाँ पर आपकी क्या है लैम्डा आई है। ठीक है, इस टाइप से आप कर लो। ठीक है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आप पाई से बताते हो, और योग के लिए सम के लिए आप समेशन लगाते हो। ठीक है, ये वाली बातें आपको आ गई होंगी, ये मैं रब कर देता हूँ। यहाँ तक आपका समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा क्लास को आप दो बार देख लेना, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, छोटी सी क्लास बनाई हुई है आपके लिए। ठीक है, टाइम जितना मिलता है उस हिसाब से क्लासेज हम रिकॉर्ड करेंगे अब आपके लिए। तो नेक्स्ट आप नंबर 8 की प्रॉपर्टीज आप देख लो, 8 नंबर की प्रॉपर्टीज है आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है आपका ए, है ना, और यहाँ पे आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा एन, इस टाइप से आपको क्या मिल रही है यहाँ पे, ये आइगेन वैल्यूज मिल रही है। और कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ ए इस टाइप का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इसी में सेट करोगे कि लैम्डा 1 के लिए ये, एफ लैम्डा 2 के लिए ये, कॉमा एफ लैम्डा 3 के लिए ये, और डॉट डॉट एफ लैम्डा एन के लिए ये, इस टाइप से आप फंक्शन में भी सेट कर सकते हो। जैसे कि कोई एग्जांपल्स आपको दे दे, कैसे कि एक्सपोनेंशियल की पावर या ए, ए यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स है और आपको एक्सपोनेंशियल दे दिया, तो आप यहाँ पर इसको इसी टाइप से निकालोगे, ई की पावर लैम्डा 1, ई की पावर लैम्डा 2, ई की पावर लैम्डा 3 और डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ई की पावर लैम्डा एन ऐसे। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और लैम्डा एन क्या है आपकी आइगेन वैल्यूज है। उसी टाइप से यदि ए की पावर यदि 10 के रूप में दी हुई है, तो इसको आप क्या करोगे, लैम्डा की पावर 10 कर दो, लैम्डा 1 की पावर 10, यहाँ पर लैम्डा 2 की पावर 10, यहाँ पर लैम्डा 3 की पावर 10, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लैम्डा एन की पावर 10 कर सकते हो। ठीक है, और आपसे इस टाइप से यदि ln में भी पूछ ले कि ln ऑफ a, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें वैल्यू रखते जाने हैं, लैम्डा 1 की निकालोगे, फिर यहाँ पे ln, यहाँ पर लैम्डा 2 की निकालोगे, इस टाइप से आप निकालते रहोगे। ठीक है, और यदि आपके पास में यदि साइन की टर्म में दे दे, साइन दे दे, कोस दे दे, और a मैट्रिक्स ऐसा आपको दे दे, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, साइन यहाँ पर लैम्डा 1, यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा आपका लैम्डा 2, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये सब बातें समझ में आई है ना, कुछ नहीं किया है, ओनली मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज इस टाइप से दी हुई हो, तो फंक्शन में दिया हुआ तो फंक्शन में ही लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे ज्ञात करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर ए है तो एक्सपोनेंशियल में लैम्डा की पावर लिख देंगे, ए की पावर 10 दिया है तो हम ए की जगह लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 करके करेंगे, ln में दिया हुआ तो ln में कर देंगे, और साइन में कॉस में दिया हुआ तो उसमें कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा एक टाइप है, इसके ऊपर भी यदि क्वेश्चंस आएंगे तो वो हम बताएंगे। ठीक है, नंबर 9 प्रॉपर्टीज आपकी देखते हैं, 9 नंबर की प्रॉपर्टीज आ जाओ, अब बात करेंगे 9 नंबर की प्रॉपर्टीज है आपके पास कि आइगेन, लिख लो आइगेन वैल्यूज ऑफ, आइगेन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कोमा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर देयर डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, देखो आप आइगेन वैल्यूज निकालते हो जैसे कि ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, तो वहाँ पे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड देयर डायगोनल एलिमेंट्स। देखो कोई भी आपके पास जैसे कि कोई मैट्रिक्स होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप से है, तो यहाँ पर आप बात करता है ये आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल, इनकी बात करता है, तो यहाँ पे तो आपकी कौन सी रहती है भाई,
ये तो रहती है आपकी अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट रहते हैं, इधर आपका क्या रहता है ये वाला, ये आपका लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट रहता है, और ये बीच वाला जो है ये आपका क्या कहलाता है भाई, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हो, इनके बारे में बताया हुआ है। इसी टाइप से अब नंबर 10 की प्रॉपर्टीज और देख लो आप कि आइगेन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, एंड सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन, सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन, भूल तो नहीं गए सिमेट्रिक और हर्मिशियन को, एक बार बता दो मुझे, भूल गए हो क्या? अरे यार, ए का यदि ट्रांसपोज करते हो और आपको ए मिल जाए तो ये क्या होती है, ये होती है सिमेट्रिक, ठीक है, और ए का यदि डैगर करते हो, डैगर, डैगर वाली बात अलग है, पहले क्या करोगे उसका, ए का डैगर किया आपने, ठीक है, कॉन्जुगेट किया बट ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए, ये होती है हर्मिशियन, हर्मिशियन, ठीक है, ये क्या होती है, हर्मिशियन, ये समझ में आई ना दोनों प्रॉपर्टीज। अब देखो, आइगेन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल, आर लिया कर दो, ठीक है, आर रियल, कैसी होनी चाहिए, ये रियल होनी चाहिए, ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए क्या हो जाएगी भाई, उसके लिए जीरो हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, किसके लिए, यदि मैं एंट्री सिमेट्रिक के लिए बात करूं। इसी टाइप से नंबर 11 की प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो कि आइगेन वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक आ गया, एंड क्या आ जाएगा भाई, एंटी हर्मिशियन आ जाएगा, एंटी हर्मिशियन आर जीरो, और प्योर कैसा बनेगा, इमेजिनरी, ठीक है, ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगा, समझ रहे हो ना, एक रियल होगा, रियल कौन होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, जिसको कि आप बोलते हो ए का डैगर बराबर ए मिल जाए तो उसको तो हर्मिशियन बोलते हो, ए का यदि ट्रांसपोज करते हो ए मिल जाए तो आप उसको सिमेट्रिक बोलते हो, यदि इनके बाद वो एंटी सिमेट्रिक की बात करें, मतलब ए का ट्रांसपोज कर रहे हो और आपको माइनस का ए मिल रहा है, उसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं बोलते, बोलते हो। एंटी हर्मिशियन क्या होता है, ए का डैगर किया और माइनस का ए मिल गया तो उसको एंटी हर्मिशियन बोलते हो, वो यदि आपके लिए क्या होगा, जीरो और प्योर इमेजिनरी होगा, उनकी जो आइगन वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे, समझ गए ना बात, समझ गए ना, ये वाली जो बातें हैं ना, ये गेट में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं आपसे, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप के MSQ टाइप के, ठीक है, तो उनमें तो एक से ज्यादा आंसर होता है, तो वहां थ्योरी में ये सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो ये मैं रब कर दूं, समझ में तो आ गया है ना, आ जाना चाहिए, यदि आप क्लास स्टार्टिंग से ले रहे हो तो सब कुछ समझ में आएगा, और यदि आप बीच बीच में से हट के भाग जाते हो तो यार उसका कोई निचोड़ ही नहीं है, निचोड़ क्या, तोड़ ही नहीं है मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर 12 नंबर की एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज आप थोड़ा सा ध्यान लगा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो। आइडेम्पोटेंट का नाम सुना है कि नहीं सुना, सही बताओ। ये आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट और क्या है भाई, इनवो लुंटरी, इन दोनों का नाम सुना है क्या, इन मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ही तो है ये, कराए तो थे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कराए थे ना दोनों, क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज पता है क्या, बताओ जल्दी। ये जो ये है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसके लिए तो ई स्क्वायर बराबर आप करते हो कितना मिलता है आपको, ए मिलता है, और इसके लिए इन्वोलेंट्री के लिए आपको ई स्क्वायर बराबर आई मिलता है, ठीक है, ये मैं बता गया आपको, इतना आप याद आ गया ना, अब आ जाओ, तो याद आ गया तो लिखो अब प्रॉपर्टीज कि आइगेन वैल्यूज, आइगेन वैल्यूज ऑफ, आइगेन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट, कौन सा है, आइडेम्पोटेंट लिख लो मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर जीरो या क्या बनेगी, वन बनेगी, ठीक है, या तो जीरो हो सकती है आइगेन वैल्यू या वन हो सकती है, किसके लिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए,
अब बोलोगे कैसे होती है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे कैसे होती है? अरे बोलो ना, देखो इस टाइप से होती है, प्रूव कर देते हैं, प्रूव कर दें, आ जाओ। देखो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, आइडम्पोटेंट ए के बराबर होता है, इसी टाइप की सब प्रॉपर्टीज होती है इसकी, यही तो है आइडम्पोटेंट, ए स्क्वायर बराबर ए के होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था, ए को किससे रिप्लेस करोगे, लैम्बडा से, तो कर दो लैम्बडा स्क्वायर बराबर लैम्बडा, कर दिया ना, लगा दी वो प्रॉपर्टी, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा बराबर जीरो, लैम्बडा कॉमन ले लिया तो लैम्बडा माइनस वन बराबर जीरो, या तो लैम्बडा क्या मिलेगा जीरो, या लैम्बडा कितना मिलेगा वन, ये लैम्बडा क्या है आइगेन वैल्यू ही तो है, आ गई आइगेन वैल्यू जीरो वन, करो इसको। फिर सेकंड नंबर की कराते हैं, ठीक है सेकंड नंबर कराते हैं, करो हो गया, चलो रब करते हैं। दूसरी भी इसी में करा दूँ, ठीक है। ये क्या है भाई, आइगेन वैल्यू ऑफ इन्वोलेंट्री, आइगेन वैल्यूज ऑफ इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स आर, इसके लिए क्या होगी, इसके लिए या तो प्लस वन हो जाएगी, या तो इसके लिए प्लस वन हो जाएगी या माइनस वन हो जाएगी, ये लिख लो है ना, या तो प्लस वन या माइनस वन, कैसे होगी आ जाओ इसका भी प्रूफ लिख लो आप, वैसे कोई लिखाना तो नहीं है, आप कर भी सकते हो। स्क्वायर बराबर यदि आई होता है, इसको लैम्बडा स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे क्या बनेगा आई बनेगा, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, इस टाइप से ही तो बनेगा, तो लैम्बडा बराबर यहाँ से क्या बनेगा प्लस माइनस वन बनेगा, ठीक है ये आप कर लो, हो जाएगा ना, इसको कर लो। ये नंबर 13 नंबर की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 13, देखो 13 प्रॉपर्टीज करा दी आपको है ना, और चलो और भी कराएंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं ये। नंबर 14 नंबर की देख लो, आइगेन वैल्यूज निकालो, नंबर अगली देखिए, नंबर 14 नंबर की आपके पास में, नंबर 14 नंबर की है कि ऑल, लिख लो ऑल आइगेन वैल्यूज, ऑल आइगेन वैल्यूज ऑफ, इसके बारे में सुना है कि निलपोटेंट क्या होता है मैट्रिक्स, ए की पावर जब एन होती है, इसको जीरो लिख देता हूँ, इसको बोलते हो क्या निलपोटेंट, क्या है ये आपके पास मैट्रिक्स, यही तो है ना निलपोटेंट, तो लिखो आइगेन वैल्यूज ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर। अब भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या बनेगी आपके पास, जीरोज भाई, जीरो 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 ही तो बनेगी, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास में, तो यहाँ पे आप इसको प्रूव करोगे, प्रूव करोगे तो क्या होगा, लैम्बडा की पावर एन बराबर जीरो, तो लैम्बडा बराबर कितना मिलेगा जीरो 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 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से मिलेगा लैम्बडा, ठीक है। तो ये लिख लो निलपोटेंट मैट्रिक्स की हो गई, ये हो गई, हो गई आ जाओ, तो हो गई तो ठीक है। अब है एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में भी पूछी गई है, नेट में 3.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है ठीक है, आ जाओ, नेट में भी आया, गेट में भी आया इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर 15 नंबर की ये प्रॉपर्टीज है आपके लिए, यहाँ पर है आपके पास में आइगेन वैल्यूज ऑफ, आइगेन वैल्यूज ऑफ रियल मैट्रिक्स, आइगेन वैल्यूज ऑफ रियल मैट्रिक्स आर रियल, आर रियल एंड एंड कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स विद कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स विद कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मीन्स पता है ना, संयुग्मी जिसको बोलते हो। देखो आइगेन वैल्यूज ऑफ रियल मैट्रिक्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स विद, कॉम्प्लेक्स विद कॉन्जुगेट, इसका मीन्स क्या हुआ, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, पाँचवा, ये एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। जीरो आयोटा, एक सेकेंड, ये आयोटा है ना, ये माइनस आयोटा है, ये यहाँ पर बन है, यहाँ पर आपका बन है, बन है, बन है,
यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा थीटा है, और यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपको जीरो है। ये तीन प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज नहीं है ये, मतलब एग्जांपल है। यहाँ पर आयोटा, टू आयोटा, और यहाँ पर क्या है, टू है, और नंबर फाइव और है आपके पास में, आयोटा टू और क्या है, जीरो। अब बताओ, अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ रियल मैट्रिक्स आर रियल, रियल मैट्रिक्स के लिए रियल रहेगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स विद कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स विद कॉन्जुगेट। आयोटा, आयोटा का कंजुगेट क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है, और वन रियल है, ठीक है, होगी, ये भी होगी, वन 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 सभी क्या है, रियल्स है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, इसका कंजुगेट क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, जीरो क्या है, रियल, ठीक है। आयोट मतलब इसका ये रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में यदि है तो उसका क्या है, कॉन्जुगेट भी होना चाहिए, कहने का मतलब कॉन्जुगेट विद कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स विद कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पर देखो आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा है, क्या माइनस आयोटा नहीं है, तो करो क्रॉस। यहाँ पर देखो आयोटा, इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा है ही नहीं है, करो क्रॉस, ठीक है। ये दो नहीं है, ये तीन है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। ये आपकी 15वां नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई। एक और प्रॉपर्टीज आपकी ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में है, वो भी हम करा देते हैं आपको। नेक्स्ट है आपके लिए नंबर 16 नंबर की प्रॉपर्टीज है, नंबर 16, ठीक है। तो यहां पे लिख लो आप आइगेन वैल्यूज, आइगेन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स सच डैट मॉडुलस ऑफ आइगेन वैल्यूज, मॉडुलस ऑफ आइगेन वैल्यूज शुड बी यूनिट, है ना, शुड बी यूनिट, ठीक है। आइगेन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल के लिए एंड यूनिटरी मैट्रिक्स सच डैट मॉडुलस ऑफ आइगेन वैल्यूज शुड बी यूनिट, मतलब आप इनका मॉडुलस निकालोगे तो वो क्या बनेगा, आपको यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ए यदि एक का मैं करता हूँ डैगर, तो आपको क्या मिलता है, आई मिलता है ना, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, लैम्डा, लैम्डा स्टार प्रूव कर रहा हूँ ना इसका, तो लैम्डा कंजुगेट बनेगा, और वो भी कितना बनेगा, आई, आई को मैं बन के बराबर लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ, यूनिटी तो है एक, तो लैम्डा जो है उसका मैं मोड का स्क्वायर करूँगा तो वो क्या मिलेगा आपको, बनी तो मिलेगा। तो यही तो बोल रहा है वो कि आइगेन वैल्यूज का आप यदि मॉडुलस निकालते हो तो क्या मिलता है आपको, वन, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा, वन बनेगा, कर लो भाई। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए इसका साइड में, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लो, वन लिख लो, माइनस वन लिख लो, आयोटा लिख लो, माइनस आयोटा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल यदि आयोटा थीटा है तो आपको एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा मिलेगा, ठीक है। यदि इस टाइप से वन माइनस आयोटा यदि रूट तीन है और डिवाइड बाई टू है तो ये आपको मिलेगा वन प्लस आयोटा रूट तीन और डिवाइड बाई टू, ठीक है, इस टाइप से, ये एग्जाम्पल्स हैं, लिख लीजिए, ठीक है, ये कीजिए आप। इसको मैं रियल और उसमें कॉम्प्लेक्स में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, पहले तो ये करो आप, ठीक है, कर लिया हुआ। ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर्स की, वो सभी आपको करनी है भाई, ठीक है, सभी आप याद कर लेना। तो यहाँ से देखो, जैसे कि मैं आपको मान के चलता हूँ, अब नंबर 17 एक प्रॉपर्टीज और करा देता हूँ आपको, ठीक है। इससे पहले एक बात ये करा देता हूँ आपको, ठीक है, कि आपके पास में कोई जेड है, कोई जेड है आपके पास में, फंक्शन है, यहाँ पर है आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, इस टाइप से, ठीक है। तो जेड का आप मोड करते हो, जेड का इसका मोड लेते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आर रेडियस मिलेगी, जो कि वन के बराबर होगी, ठीक है। तो जेड बराबर क्या मिलेगा आपको, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, ओके, सही है ना,
एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, ये आप यहाँ पर बनाओगे इस टाइप से, तो ये इसके लिए रेडियस कितनी होगी आपके पास, आर बराबर कितनी होगी भाई, बन होगी ये जो रेडियस है, ठीक है। ये बाई वाला जो पार्ट है इसको आप बोल रहे हो क्या, इसको आप बोल दो इमेजिनरी, इसको आप बोल दो इमेजिनरी, ठीक है। और ये जो है एक्स वाला इसको आप बोल दो क्या, रियल, ठीक है। तो ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, आर कितनी हो गई इसके, बन हो गई, ठीक है। सो इन जनरल ये लिख लो, सो इन जनरल ऑल पॉइंट्स ऑन सर्किल, सभी पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके, सर्किल रहेंगे, सर्किल ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट रेडियस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन आर, कॉम्प्लेक्स प्लेन आर आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए हम बना दिए, सामान्यतः हम क्या कर रहे हैं, जनरल ऑल पॉइंट्स सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन आर आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये हमने बना दिया है, मॉडुलस हमने ज्ञात किया है तो वो बन के बराबर आ गया है, ठीक है। इस टाइप से हम सर्किल के इसमें आपको समझा सकते हैं जो रियल और इमेजिनरी के लिए है। अब ये प्रॉपर्टीज, अगली एक प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, देखो वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, नेट के एग्जाम में पूछा गया था वहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंट है नंबर 17, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, लिख लो। मोस्ट तो सभी हैं ये, वैसे तो आपको सभी याद करनी है, बट ये थोड़ी सी और ज़्यादा मोस्ट हो जाती है कब, जब इफ आपके पास में कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, ये बराबर क्या कर दूँ इसमें आई डॉट जे, ठीक है, देन तब आइगेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर लैम्ब्डा बराबर क्या बनेगा आपके लिए, यहाँ पर ये बनेगा ट्रेस ऑफ ए और बाकी आपके पास में जीरो जीरो, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। देखो यदि आपके पास में कोई क्या है, यदि ए आई जे बराबर क्या है आई जे, देन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर लैम्ब्डा ट्रेस ऑफ ए जीरो जीरो। अब आपको ये समझ में नहीं आया सर ये क्या है, ये देखो क्या है, मैं बताता हूँ, कोई मैट्रिक्स है आपके पास में, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लूँ एक 4 मैट्रिक्स है आपका, 3x3 का क्या है एक मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है ए बराबर, यहाँ पर है ए 11 है, यहाँ पर क्या है ए 12, यहाँ पर है ए 13, ठीक है, यहाँ पर है ए 21, यहाँ पर है आपका ए 22, यहाँ पर है आपका ए 23, यहाँ पर है आपका ए 31, यहाँ पर है आपका ए 32 और यहाँ क्या होगा ए 32 33, ठीक है, इस टाइप का बन गया 3x3 का मैट्रिक्स। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, आपको ये बनाना है तो इस टाइप से, ये यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 1 यहाँ पे मैं ले लूँ 2 और यहाँ पे ले लूँ मैं 3, ओके, यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ 4 और यहाँ 6 और यहाँ पे 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, ठीक है। अब आप देखो ए आई जे, ठीक है, रो और कॉलम उसके बारे में तो बता रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली रो पहला कॉलम ए 11, तो यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लेना है कि आई जे अलग अलग वाले के लिए, देखो ए 12 अलग अलग है ना दोनों, ए 12 का उल्टा क्या हो जाएगा, ए 21 का है ये रहा, ये 2 है दोनों, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो 2 और 2, ठीक है। अब देखो इसी तरह से A13 3-1 इसके बराबर होना चाहिए ये वाला, तो ये वाले क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है, और एक आपका ये है A23 और एक 32, तो ये आपके 6, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे।
अब यहाँ पे यदि आपके लिए ये वाली कंडीशन तो आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है। जब आप क्या करोगे, जब आप लैम्ब्डा यहाँ से ज्ञात करोगे, जो लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा क्या है भाई, आइगेन वैल्यू है। आइगेन वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, देखो ट्रेस ऑफ ए और बाकी क्या मिलेगी आपको, जीरो जीरो मिलेगी। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए बताया था कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का आपको योग करना है, सम करना है, तो 9+4+1 यही तो है डायगोनल एलिमेंट। एक सेकेंड, दूसरे वाले से बता देता हूँ, देखो यही तो है डायगोनल एलिमेंट, तो इनको जोड़ दो तो कितना बनेगा, 9 और 4 13 13 और 1 14, तो लैम्ब्डा बराबर कितना बना है, 14 और 0.0 हो गया ना, ये हो गया, ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कर लोगे ना। एक और एग्जांपल दे दूं, चलो एक और दे देता हूँ, एक और एग्जांपल देख लो भाई, इसको रब करते हैं, अभी आपकी थोड़ी सी दुविधा हो वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वो भी हो जाएगी, आ जाओ एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, यहाँ पर कोई ए है आपके पास में, देखो यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ है आपका ए बी, यहाँ है आपका ए सी, ओके, इसको मैं बी ए, इसको बी स्क्वायर और इसको मानता हूँ मैं बी सी, यहाँ पर आपका है सी ए, यहाँ पर आपका है सी बी और यहाँ पे है आपका सी स्क्वायर, ठीक है, ये है, और इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है इसका, 3, ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, 3 3 × 3 का है ना। तो अब देखो इसमें, इसमें लैम्ब्डा आपको कैलकुलेट करना है, तो लैम्ब्डा क्या होगा, देखो ये तो मैंने बताया था, ये क्या होता है आपके लिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके लिए। और अब देखो इसमें जो ये है ना ए, ये बी ए, ये ए बी बराबर है, ये सी ए, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये क्या है आपका ए, ए बन थ्री, ए बन थ्री किसके बराबर है, ए थ्री बन के, देखो ये क्या है आपका ए टू बन, ए टू बन किसके बराबर होगा, ए बन टू के, देखो ए बन टू, ओके, और ये क्या है आपका ए टू थ्री, ये बराबर किसका है, ए थ्री टू के, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रेस ऑफ क्या करोगे, ए करोगे और क्या है दूसरा जीरो जीरो, यही तो हो गया आइगन वैल्यू। तो लैम्ब्डा आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जोड़ दिया आपने, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट और यहाँ पे जीरो जीरो, ये हो गया, कर लोगे ना, ये हो गया। अब एक और नेक्स्ट है आपकी, वो भी आप देख लो, फिर क्लास को हम कर देंगे ऑफ, ठीक है, एक दो और है आपकी, वो देख लेते हैं। नंबर है कौन सा, 18 है ना, 18 नंबर की आपकी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑफ ओ, देखो इसमें क्या करोगे, कौन सी वाली है लिख लो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर बंस देन आइगेन वैल्यूज, देन आइगेन वैल्यूज आर लैम्ब्डा बराबर एन जीरो जीरो, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मिलेगी। यहाँ पे एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो कितनी अच्छी बात है। यदि इफ, यदि ऑल जो एलिमेंट है, जो सभी आपके पास में एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट यदि बन है आपके पास में सभी एलिमेंट, तब आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो आपको कैसी मिलेगी, एक तो आपको नंबर ऑफ जो ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का वो लेना है, और सभी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आपको बन 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 इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है, तो आप इसकी आइगन वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, आइगन वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे 3 और 0 0 इस टाइप से, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि ये 3 × 3 का ही तो मैट्रिक्स है और सभी वैल्यू क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा, वैसे मैं ट्रेस की बताऊँ तो ट्रेस ऑफ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 1 + 1 + 1 3 ऐसे कर लो, और सभी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, क्योंकि और सभी तो सेम है, इस टाइप से कर लो या इस टाइप से कर लो, ये भी अलग है ना, ये अलग प्रॉपर्टीज है, कर लो इसको। नेक्स्ट है और लास्ट, सेकंड लास्ट, 20 प्रॉपर्टीज कराएंगे, 18 हो गई है, 19 प्रॉपर्टीज आपकी है, अब 19 प्रॉपर्टीज है, आइगेन वेक्टर्स, आइगेन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट 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 आइगेन वैल्यूज। क्या कह रहा है ये? वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल। ये थोड़ा सा हाँ, आइगेन वेक्टर्स, जो आइगेन वेक्टर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट आइगेन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। जैसे कि यदि मैं मान के चलूँ कि लैम्डा वन जो है वो लैम्डा टू के बराबर नहीं है, आइगेन वैल्यूज क्या है आपकी? डिफरेंट हैं, ठीक है। तब आप क्या कह सकते हो, देन आप क्या कह सकते हो, यदि एक्स वन का मैं यहाँ पर डैगर निकालता हूँ और एक्स टू के साथ करता हूँ, ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी चेक कर रहे हो ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? यदि आप ए का डैगर का यदि ए करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? ये तो ऑर्थोगोनलिटी मिलती है, जीरो। तो उस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वन का डैगर एक्स टू बराबर क्या मिल जाएगा आपको? जीरो। इस टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है, ये ऑर्थोगोनलिटी हो गई है, ठीक है, हो गई, ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट है ना। अब मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दूंगा अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जितनी भी हम कर सकते हैं। एक आप डायग्राम बना लीजिए, ये नंबर 20 में आप लिख लो, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप से याद रख लेना, ठीक है। ये अपने पास ये पार्ट कौसा है? इमेजिनरी, ठीक है। ये कैसा है? इमेजिनरी, जिसको हम बाई बोल रहे हैं, और इस एक्स को क्या बोलते हैं हम? रियल। बताया था ना कुछ टाइम पहले कि इसको तो इमेजिनरी, इसको रियल। और रियल पर कौन कौन सी थी आपकी? रियल पे क्या पढ़ाया था, भूल तो नहीं गए? सिमेट्रिक और हर्मिशियन। तो इस वाली प्रॉपर्टीज पे तो कौन सा काम करेगा, इस पर कौन सा काम करेगा, इस पे आ जाओ। इस पे तो आपकी होगी सिमेट्रिक, कौन कौन सी होगी? एक तो सिमेट्रिक आइगन वैल्यू, और कैसी आएगी? हर्मिशियन इनके लिए, ठीक है, हर्मिशियन। ये हमने निकाली थी ना, सिमेट्रिक और हर्मिशियन रियल के लिए। इमेजिनरी के लिए देखो, इस इमेजिनरी के लिए, इसके लिए हो जाएगी एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। और क्या कौन सी बनेगी आपकी, और कौन सी बनेगी? एंटी हर्मिशियन, यही हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। और हम बात करें तो यहाँ पे आपका है कोई एक, ये लिख देता हूँ मैं, ये कौन सा वाले पार्ट हो गया भाई? माइनस वन, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स हो गया ना, और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस वन। तो नेगेटिव और प्लस वन इनके लिए क्या होता है, देखो, एक तो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, एक इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। ये किसके लिए होती है? इनवोलंटरी। इनवोलंटरी के लिए प्लस वन हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, ठीक है। और इस यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के लिए आप क्या शो कराओगे? देखो, जीरो के लिए यहाँ पे बता दूं, जीरो के लिए कौन सा था? निलपोटेंट, ठीक है, निलपोटेंट आपका किस पे रहेगा? जीरो पे, समझ रहे हो ना। माइनस और प्लस वन वैल्यू किस पे आई थी? इनवोलेंट्री पे आई थी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको इस वाले सरफेस की हम बात करें तो मैं इसको क्या कह दूं यहाँ से, ये है आर डिस्टेंस, जो कि क्या थी? ये आपकी बन थी, ठीक है, ए वाली बन थी ना आपकी। तो इस पे ये बनी है पूरा कंप्लीट, रेडियस तो समान है सबके लिए। तो यहाँ इसको आप बोल सकते हो, इस वाले को सरफेस पे जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी पास ऑर्थोगोनल यूनिटरी, या आपके पास रहेगी यूनिटरी, ठीक है। इसके लिए आपको यूनिटरी या ऑर्थोगोनल होगी। ये पूरा कंप्लीट मैंने समझा दिया जितनी भी थी आपकी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस पूरे सरफेस पर, सर्कल पर क्या रहने वाली है इसके, उस पर ऑर्थोगोनल रहेगी या यूनिटी रहेगी, क्योंकि रेडियस क्या है? फिक्स है ना, बने हैं। अब यहाँ पर देखो, प्लस वन और क्या है? माइनस वन, इनके लिए क्या रहेगी? इनवोलेंट्री रहेगी, ठीक है। और इस रियल वाले पार्ट के लिए रहेगी सिमेट्रिक और हर्मिशियन, और यहाँ पर इमेजिनरी के लिए एंटी सिमेट्रिक एंटी हर्मिशियन, जीरो के लिए रहेगी ये निलपोटेंट, समझ गए ना। तो ये सभी आपको आज मैंने समझा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, अभी कल परसों जब भी हम अपलोड करेंगे, तो उसमें हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी, ठीक है ना। यहाँ तक आपका ये पूरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गया, उसके बाद क्ले हैमिल्टन थ्योरम,
एक आपके पास क्ले हैमिल्टन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे हम आइगन वेक्टर्स वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर से यदि अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।